और अगर हम वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें तो साउंड को रिव्यू एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको सिर्फ 9000 रुपए में मिलते हैं और क्या बोला तूने? आपको सिर्फ 9000 रुपए में मिलते हैं और सेवरल मंथ्स लेटर। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और मेरी रोस्टर फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप सभी लोगों के कमेंट आए थे कि साउंड कोर का प्राइस बढ़ चुका है, दैट्स वाई मैं जब साउंड कोर वालों से पूछने के लिए गया कि इसका प्राइस क्यों बढ़ाया, तो उन्होंने ये कहा, चला जा भोसड़ी के, गजब बेइज्जती है। और अब साउंड कोर JBL पार्टी बॉक्स 100 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन चुका है, दैट्स वाई आज के वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले JBL पार्टी बॉक्स 100 वर्सेज साउंड कोर रेव के बीच में, और देखेंगे दोनों में से कौन सा बेस्ट स्पीकर है और कौन सा वैल्यू फॉर मनी भी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्री में वीडियो मत देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करो। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्पीकर पावर आउटपुट की बात करें तो दोनों भी स्पीकर के अंदर आपको 160 वाट RMS का पावर आउटपुट मिलता है, लेकिन रुको जरा, सबर करो, जब आप इन स्पीकर को बैटरी के ऊपर प्ले करते हो तो ये 100 वाट RMS के ऊपर प्ले होते हैं। क्या बात कर रहा है? और दोनों भी स्पीकर के अंदर आपको RGB लाइट्स के साथ साथ पार्टी लाइट्स भी मिल जाती है, जिससे काफी ज्यादा बढ़िया लाइटिंग एनवायरमेंट क्रिएट होता है। और अगर हम ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो JBL के अंदर आपको 4.2 मिलते हैं और वही साउंड कोर के अंदर आपको 5.0 मिलता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो JBL के अंदर आपको 2500 mAh की लीड एसिड बैटरी मिलती है और वही साउंड कोर के अंदर आपको 20000 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। और अगर हम इनके प्लेबैक टाइम की बात करें तो JBL आपको 12 आवर्स का बैकअप देता है, वही साउंड कोर आपको 24 आवर्स का बैकअप देता है। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो JBL 7 आवर्स लेता है और वही साउंड कोर 5 आवर्स लेता है। और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो JBL के अंदर आपको ऑडियो इन और आउट का पोर्ट मिलता है, एक USB पेन ड्राइव पोर्ट मिलता है जिसके अंदर आप अपना पेन ड्राइव डाल सकते हो, और एक AC इनपुट का सपोर्ट मिलता है जिससे आप स्पीकर को चार्ज कर सकते हो, और एक माइक का और एक गिटार का पोर्ट मिलता है। और वही अगर हम साउंड कोर के पोर्ट्स की बात करें तो ऑडियो इन और आउट का पोर्ट मिलता है और इसके अंदर आपको 2 USB ड्राइव मिलते हैं जिससे आप एक पेन ड्राइव लगा सकते हो और एक अपना गैजेट चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है AC इनपुट वाला, और इसके अंदर आपको माइक पोर्ट मिलता है, प्लस इसके अंदर आपको बेस नॉब मिलता है जिससे आप इसके बेस को बढ़ा सकते हो। और अगर हम दोनों स्पीकर की एप्लीकेशन की बात करें तो JBL के अंदर आपको JBL पार्टी बूस्ट का सपोर्ट मिलता है, वही साउंड कोर के अंदर आपको साउंड कोर एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और दोनों भी स्पीकर IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं जिससे आप इन्हें हल्की फुल्की बारिश में ले जा सकते हो। और अगर हम इन स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी में नो डाउट JBL एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक थोड़ा सा ओपन साउंड करते हैं और इसका बेस भी थोड़ा सा अच्छा है, वही साउंड कोर भी ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो JBL एक बेटर चॉइस है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो JBL आपको 18000 से लेकर 25000 के बीच में मिल जाएगा, वही साउंड कोर आपको 10000 से लेकर 19000 के बीच में मिल जाएगा। और अगर हम वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें तो साउंड कोर अभी भी एक जीत जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और थोड़ा सा लो प्राइस है। वही अगर हम JBL की बात करें तो JBL एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी ओवर प्राइस की वजह से ये थोड़ा सा मार खा जाता है। बाकी आपका पैसा और आपकी मर्जी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।